हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपनी लॉक स्क्रीन में अपनी एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपनी स्पॉटिफाई और व्हाट्सएप का जो शॉर्टकट है वो अपने आईफोन की लॉक स्क्रीन पर ही ऐड किया है, और जब भी मैं इसे ओपन करना चाहूँ मुझे वन क्लिक में लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्टली ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने iOS 16 वाले डिवाइसेस में ये सब कैसे कर सकते हैं। सो, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइज, सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। सो, जस्ट ऐप स्टोर को ओपन करो और एक एप्लीकेशन को सर्च करो जिसका नाम है लॉन्चिफाई। और ध्यान रखना कि ये जो ऐप है वह सिर्फ iOS 16 में ही काम करेगी और बहुत छोटी सी ऐप है। इसका जो साइज़ है वो 9 MB के आसपास है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसे 4.6 स्टार्स देखने को मिले हैं। डाउनलोड हो गई है, ओपन करो। जैसे ये ओपन हो जाती है आपको जो है अलाउ करनी है इसकी परमिशन। और अब आपको क्या करना है, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शो यू। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो आपको जो है प्लस आइकन ऊपर देखने को मिल रहा है। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी क्लीन माय आईफोन फर्स्ट, सॉरी गाइस। सो, आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ऐप और कॉन्टैक्ट का। आपको ऐप वाले सेक्शन पर जाना है। आप कॉन्टैक्ट का शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हो। और अब मान लो आपको जो है ओपन करना है स्पॉटिफाई, और आपको जो है सर्च करना है स्पॉटिफाई, जैसे कि आप देख सकते हो स्पॉटिफाई म्यूज़िक। और अब जो है आपको यहाँ पर ऐड आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो है ऐड आइकन के ऊपर प्रेस करना है और एप्लीकेशन ऐप के ऊपर क्लिक करना है। या फिर सिंबल, आपको जो है सर्च आइकन यहाँ पर सर्च करना है। हर एक ऐप का आपको यहाँ पर आइकन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं सर्च करता हूँ स्पॉटिफाई, फर्स्ट नंबर पर ही मुझे स्पॉटिफाई देखने को मिल जाएगा। आप इसके मल्टीपल आइकन्स जैसे कि कस्टम आइकन्स भी सेट कर सकते हो। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करो और आपको ये ट्यूटोरियल भी देगा कि कैसे आप कर सकते हो। और आप एक और एप्लीकेशन को ओपन करना चाहोगे तो वो भी हो जाएगी, जैसे कि आप कैमरा ऐप को ओपन करना चाहोगे। सो, जैसे कि आप देख सकते हो, कैमरा को सर्च करो। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग। सो, जस्ट लेट मी ओपन, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब ऐप को ओपन करना चाहता हूँ डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से। जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब ऐप आइकन, अब मैं सर्च करूँगा यूट्यूब। सो, देयर वी गो, जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब ऐप आइकन, और सेव के ऊपर क्लिक कर दो। और अब जो है आपको क्या करना है, अपने जाना है लॉक स्क्रीन पर, लॉन्ग प्रेस करो, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो और फिर जस्ट वन क्लिक यहाँ पर प्रेस करो। और यहाँ पर स्वाइप अप करने के बाद में लॉन्चिफाई को सिलेक्ट करो, यहाँ पर इसका आइकन ओपन करो और फिर जस्ट वन क्लिक इसके ऊपर करो और फिर स्पॉटिफाई के ऊपर क्लिक करो और फिर यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट कर लो। जस्ट देयर वी गो। और जब आप पहली बार ओपन करोगे आपको एक क्लिक देना पड़ेगा ओपन का, जैसे कि ये वाला। और अब आपका डायरेक्टली वन क्लिक में एप्लीकेशन ओपन हो जाया करेगी कुछ इस तरीके से। सो, ये बहुत ही सिंपल और कूल मेथड है, और लॉक स्क्रीन में ही आप अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये जो मेथड है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।